बिहारे यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्री गौरंग महाप्रभु की लीलाओं को बताते हुए दिया गया। गोपी जाना बाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज हम गौर पूर्णिमा मना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार वो स्वयं भगवान है और कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं एक रूप से गुप्त रूप में। दूसरे शब्दों में है वो भगवान पर उनका व्यवहार है भक्त का। जैसे कि आप देखते हो कई बार पाठशाला में अध्यापक विद्यार्थी के हाथ को पकड़कर लिखना सिखाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अध्यापक विद्यार्थी बन गया, वो टीचर टीचर रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, पर उन्होंने हमें समझाया है कि किस प्रकार भक्ति की विधियों का हमें पालन करना चाहिए। वैसे तो जब भगवान अवतारित होते हैं उनके सारे भक्त साथ में अवतारित होते हैं, जैसे कि वासुदेव देवकी बालाराम ये सब अवतारित हुए चैतन्य महाप्रभु जी के समय भी। जग वासुदेव देवकी ये बन गए जगन्नाथ मिश्र और सती माता, बालराम बन गए भगवान नित्यानंद, और चैतन्य महाप्रभु जी अवतारित हुए थे किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। जैसे कि वो बड़े प्रसिद्ध भजन में कहा गया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुमा बिना के दयालु जगत संसारे। चैतन्य महाप्रभु जी आप सब अवतारों में सबसे ज्यादा दया दयालु हो और आप अवतारित हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। आज आप देख सकते हो कि विश्व के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना सिंह कामना उत्थाना अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रचार हो रहा है। हम तीन दिन पहले ही मायापुर से आए और इस समय मायापुर में फेस्टिवल के समय लगभग 2,500-3,000 भक्त उपस्थित हैं। कोई 1,500-2,000 भक्त आए हैं विश्व के हर कोने से, और विश्व के हर कोने में आज हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान हो रहा है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि विश्व में जितने नगर हैं, गांव हैं, सब जगह हरे नाम होगा। जब भगवान अवतारित होते हैं अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जैसे कि आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति ये दावा करेंगे वो भगवान के अवतार हैं, पर जब उनसे पूछा जाए कि आप कोई दिव्य लीला प्रकट कर सकते हो
तो क्या कहते हैं, आज नहीं पर कल करेंगे, कल चमत्कार दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर और इंतजार करो। चेतना महाप्रभु जी पैदाइशी के समय जैसे महाराज ने कहा, उनको अनेक नाम दिए गए थे, एक था विश्वंबर, उनके नाना जी नीलम का नाम था नीलम्बर चक्रवर्ती, और उनके नाना जी बहुत ऊंची कोटि के ज्योतिषी थे। तो प्राचीन समय में रिवाज था, जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी जन्म पत्री बनाते थे, आज भी क्या रिवाज है वहाँ। तो आजकल के जो ज्योतिषी हैं, उधर कंप्यूटर में बटन दबाते हैं, उनको सब मिल जाता है। पर नीलम्बरा चक्रवर्ती असली वैदिक ज्ञान के आधार पर ज्योतिषी थे, और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है ये पूरी सृष्टि की देखभाल करेगा, इसलिए उनका नाम दिया था विश्वंबर। विश्वंबर का अर्थ है जो कि पूरे पृथ्वी को संभाल सकता है। और बचपन में भी उन्होंने अनेक दिव्य लीला प्रकट की, जैसे कि एक समय उनके जो पिता थे बहुत ब्राह्मणों की सेवा करते थे, और एक समय एक ब्राह्मण आया था जगन्नाथ मिश्रा के घर में, तो जगन्नाथ मिश्रा ने उनसे कहा कि आप ही प्रसाद स्वीकार करो। जो प्राचीन समय में ब्राह्मण थे वो अपना प्रसाद खुद ही तैयार करते थे, तो उस ब्राह्मण ने अपना प्रसाद तैयार किया और भोग लगा रहे थे भगवान को कि जब निमाई वहाँ पहुँच गया, और निमाई ने पहुँच कर वो खाने को झुट्टा खा लिया। जो निमाई ने खा लिया तो ब्राह्मण ने कहा, अरे क्या किया तुमने, मैं तो कृष्णा को भोग लगा रहा था, शैतान लड़का, तुमने झूठा कर दिया। तो ब्राह्मण जो है वो कभी किसी को दोष नहीं देता। ब्राह्मण ने सोचा चलो भगवान की शायद इच्छा कि मैं आज भूखा सो जाऊं, तो सोने की तैयारी कर रहे थे, तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, नहीं तुम हमारे मेहमान हो, तुम भूखा नहीं सो सकते, कृपा करके फिर से बनाइए। तो फिर से बनाने गए, फिर से बना के जब भोग लगा रहे थे निमाई फिर वहां पहुंच गया, फिर निमाई ने खाने का झूठा कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा जो थे उन्हें बड़ा क्रोध आया, उन्होंने बेइज्जती महसूस की क्योंकि ब्राह्मण आए थे उनके घर में मेहमान के रूप में, और उनके बेटे ने दो बार उनके खाने को झूठा कर दिया जब भगवान को भोग लग रहा था। तो पिता ने निमाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला मार दिया, और ब्राह्मण को कहा कृपा करके फिर से बनाओ भोग, अब मैंने अपने बेटे को बंद कर दिया है, वो किसी हालत में शरारत नहीं कर सकेगा। ब्राह्मण ने फिर से भोग बनाया, लगभग रात के 12 बज गए थे, और ब्राह्मण भोग लगा रहा था भगवान को जब निमाई फिर से वहां पहुंच गए। फिर से पहुंचे, जब फिर से ब्राह्मण ने उसे देखा निमाई को, तो कहा फिर से तुम आ गई। पर निमाई ने कहा, आप घबराते क्यों हो, आप ये भोग किसको लगा रहे हो, कृष्णा को, वो मैं ही हूँ। उन्होंने अपना कृष्णा का रूप प्रकट किया, जब उन्होंने कृष्णा का रूप प्रकट किया तो ब्राह्मण आश्चर्य हो गया देखकर, खुश हुआ, वो तो कृष्ण भगवान का भक्त था। पनमाई ने इस ब्राह्मण को एक आदेश दिया, किसी को भविष्य में बोलना नहीं कि तुमने ये रूप देखा है या मैं कौन हूँ। तो ब्राह्मण के सामने एक समस्या आ गई, एक तरफ से तो उन्हें पता था ये स्वयं भगवान है, दूसरे तरफ से भगवान ने आदेश दिया था किसको बताना नहीं। तो उनके मन में यही चिंता थी कि लोग अपराध करते जाएंगे। फिर इसी प्रकार निमाई की माता ने देखा, निमाई के घर में गोपाल की मूर्ति भी थी, तो निमाई की माता ने देखा कि जमीन पर वो सारे फुटप्रिंट हैं जैसे मच्छी शंख गदा ये सब दिखता है। तो माँ को लगा
शायद हमारे बेटे के चमत्कार के कारण हमारे घर की जो मूर्तियां हैं उन्होंने चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो लक्षण थे ये सिर्फ भगवान की मूर्ति में या भगवान के पांव के नीचे होते हैं, साधारण व्यक्ति के पांव में नहीं। तो माता सोच रही थी मेरे घर की मूर्तियां भी चलती हैं तो जमीन पर वो निशाना छोड़ गई है। फिर एक दिन माँ जब बेटे को दूध पिला रही थी तो उन्होंने देखा उनके पांव के नीचे, तो देखा अरे ये तो वही लक्षण है जो कि हमें जमीन में दिखे। तो उन्हें शक हुआ मेरा बेटा कोई साधारण बेटा नहीं पर खास बेटा है। जैसे कि जब कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर थे और अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे, कई बार जब बड़े बड़े दुष्टों को उन्होंने मारा तो उनकी माता पिता क्या सोचते थे, शायद हमारा बेटा देवता तो नहीं है इतना चमत्कार दिखा रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने भी चमत्कार बताए अनेक। 5 साल की आयु में एक संस्कृत के पंडित थे जिनका नाम था गंगादास, उसके पाठशाला में जाकर उन्होंने संस्कृत सीखना आरंभ किया 5 साल की आयु में। 7 साल की आयु में वो संस्कृत के विद्वान बन गए थे, सारी गीता भगवतम सब कंठस्थ कर दी थी 7 साल की आयु में। और आज से 500 साल पूर्व विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थान था नवद्वीप, भारत का सबसे धनी स्थान 500 साल पहले कौन था, महाराष्ट्र नहीं बंगाल, बंगाल भारत का सबसे धनी राज्य था। आज पिछले हफ्ते हम दलते थे नवद्वीप परिक्रमा में, तो बंगाल के कोने कोने में गए, खास पर हम तो उन स्थानों में गए जहाँ की चैतन्य महाप्रभु जी ने दिव्य लीला प्रकट की थी। हर जगह इतनी अच्छा हरियाली, इतना जल, हमारे महाराष्ट्र के भक्त कह रहे थे महाराज महाराष्ट्र में 200 फीट खोदने पर भी जल नहीं निकलता और इस इलाके में 6 फीट खोदने में जल निकल आता है चारों तरफ जल ही जल। तो आज भी बंगाल के कई इलाके हैं जब आप देखो तो इतना हरियाली दिखती है कि आप भारत के किसी कोने में नहीं देख सकते। तो 500 साल पूर्व बंगाल सबसे धनी स्थान था भारत का, और बंगाल में नवद्वीप जो था सबसे इंटेलेक्चुअल स्थान था जहाँ सब बड़े बड़े विद्वान निवास करते थे। तो महाप्रभु जी ने उस वातावरण में अपने आप को प्रकट किया था। तो 11 साल की आयु में महाप्रभु ने संस्कृत का एक पाठशाला खोला, स्कूल, जैसे आपके यहाँ चारों तरफ स्कूल खोले हैं, दालमिया स्कूल, इस्लामिक स्कूल, ये स्कूल। तो उन्होंने 11 साल की आयु में एक संस्कृत का पाठशाला खोला। उन दिनों में भारत में एक बड़े संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। उन्होंने भारत के हर संस्कृत के विद्वान को हरा दिया था, पर उन्हें ये सूचना मिली थी कि नवद्वीप में एक बालक है वो बहुत तेज है संस्कृत में। तो केशव कश्मीर ने सूचना भेजी नवद्वीप के पंडितों को कि मैं तुम्हारे शहर में आना चाहता हूँ संस्कृत का डिबेट करने के लिए। जैसे ये सूचना पहुंची नवद्वीप के सारे पंडित मिले, सबने कहा अभी केशव कश्मीर हमारे शहर में आ रहा है, कौन उसके सामने खड़ा होगा। सारे पंडित घबरा गए, सबने कहा भाई हम तो नहीं करेंगे उनके सामने, हम तो हार जाएंगे उनके सामने, सबको डर लग गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम हमारे शहर के बच्चे को आगे करते हैं। कौन था उनके शहर का बच्चा, निमाई, 11 साल। 11 साल में जब इतने बड़े विद्वान बन गए थे कि दूर दूर से उन्होंने हरा दिया सबको, निमाई ने, दूर दूर से लोग आते थे उनसे चर्चा करने के लिए। तो एक दिन तो उन्होंने कहा कि हम निमाई को केशव कश्मीरी के सामने खड़ा रखेंगे, अगर तो केशव कश्मीरी ने निमाई को हरा दिया तो हम कहेंगे अरे भाई उसने हमारे शहर के बच्चे को हराया, 11 साल के बच्चे को, हमें थोड़ी हराया।
और अगर निमाई ने उनको हरा दिया तो हम कहेंगे अरे भाई अगर हमारे साथ शहर का बच्चा हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो। तो एक दिन निमाई गंगा के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। आजकल तो आप शिक्षा लेने के स्कूल में जाना पड़ता है, बिल्डिंग में है ना, एक फ्लोर में 50, एक फ्लोर में 10 कमरे होते हैं और एक कमरे में 50 विद्यार्थी, क्योंकि सब पैसा कमाना चाहते हैं। केवल हमारा भक्ति नंदा स्कूल है जू में, जहाँ एक क्लास में 25-30 विद्यार्थी हैं बस। तो केशव कश्मीरी आए अपने बाजा के साथ, भक्तों के साथ, और निमाई पेड़ के नीचे बैठकर संस्कृत सिखा रहे थे अपने विद्यार्थियों को। केशव कश्मीरी आया, उसने कहा तुम ही हो क्या वो निमाई पंडित? निमाई ने कहा, केशव कश्मीरी ने कहा, आपकी तो मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है, कुछ संस्कृत के श्लोक हमें सुनाइएगा। निमाई ने कहा, आपके सामने तो मैं बच्चा हूँ, आप सुनाइए। मैं तो संस्कृत जब सिखाता भी हूँ तो मेरे विद्यार्थियों को समझ नहीं आती उनकी निम्रता, तो मैं आपको क्या सुनाऊँ, हमारे भाई विद्यार्थी भी नहीं समझ पाते मेरी संस्कृत, आपको मैं कैसे सुनाऊँ। तो निमाई के कहने पर केशव कश्मीरी ने 100 श्लोक का उच्चारण किया गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए। 100 श्लोक सुनने के बाद केशव कश्मीरी ने कहा, कैसे लगा, अच्छा लगा? तो निमाई ने एक श्लोक सुनाया जो कि केशव कश्मीरी ने सुनाया था 100 श्लोकों में, और उसकी कमियां भी सुनाई और गुण भी सुनाया। केशव कश्मीरी आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा मैंने ये 100 श्लोक वायु की तेजी पर सुनाया था, तुमने कैसे एक श्लोक को कंठस्थ कर लिया, समझो को तेजी आप कैसे, बहुत तेजी से उन्होंने सुनाया था। जो व्यक्ति एक बार सुनने में किसी चीज का स्मरण कर ले उसे श्रुति धरा कहा जाता है। तो निमाई ने एक बार सुनने से ही श्लोक को कंठस्थ कर लिया था। तो जो केशव कश्मीरी है निमाई के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा। केशव कश्मीरी जो थे सारस्वती देवी के उपासक थे, शिक्षा के लिए लोग देवताओं के पास जाते हैं भौतिक इच्छाओं के लिए, और शिक्षा ज्ञान के लिए लोग सारस्वती की उपासना करते हैं। और केशव कश्मीरी ने सारस्वती से प्रार्थना करके कहा, आपकी कृपा से हमेशा मैंने हर व्यक्ति को हरा दिया है, पर आज निमाई पंडित के सामने मेरा मुंह खुला ही नहीं, आप कृपा करके मेरा सहयोग देना। तो केशव कश्मीरी ने ऐसे प्रार्थना की थी। तो सारस्वती ने कहा, मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि निमाई स्वयं कृष्णा है। तो अगले दिन केशव कश्मीरी आए और निमाई के शरणागत हो गए और उनके उपासक बन गए, उनके शिष्य बन गए। तो केशव कश्मीरी और निमाई का जब डिबेट चल रहा था, जब केशव कश्मीरी निमाई के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो निमाई के जो विद्यार्थी थे वो हंसी उड़ाने लगे, और निमाई ने रोक दिया। निमाई ने कहा, नहीं, आदर दो पूरा। तो केशव एक समय निमाई जब बांग्लादेश में प्रचार कर रहे थे, आज बांग्लादेश से पहले तो बंगाल था, तो एक भक्त थे वहाँ, एक व्यक्ति था जिनका नाम था तपन मिश्रा। तपन मिश्रा को ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जीवन का क्या भाव है, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो उनको सपने में भगवान ने कहा, तुम जाकर ये प्रश्न पूछो किससे, निमाई से। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा निमाई से, मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, मुझे पता ही नहीं क्या करना चाहिए। तो निमाई ने कहा, हरे कृष्णा मंत्र बोलो और तुम बनारस में जाके रहो। उस तपन मिश्र ने कहा,
मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ नवद्वीप में। महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं वनवासी आऊंगा भविष्य में, तुम उधर जाओ। तो जो भी व्यक्ति मिला उसे महाप्रभु ने एक ही आदेश दिया, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने सब जगह हिना फैलाया। हंसते हंसते चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया। 24 साल की आयु में केशव भारती के द्वारा संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जी गए जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, पर भक्त के रूप में और राधा रानी के भाव में वो आए थे। तो उनकी इच्छा थी कि जगन्नाथ पूरी मंदिर पहुंचते ही जगन्नाथ जी को गले लगाए। तो जब वो जा रहे थे, जैसे वो पहुंचे जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगह 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 कहते ही बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो वहां जो चौकीदार था मंदिर में द्वारपाल, उसकी इच्छा थी इसको उठाकर बाहर फेंक दो, एक आदमी बेहोश हो गया। पर वहां एक सर्वभौमा भट्टाचार्य नाम के भक्त है। सर्वभौमा भट्टाचार्य की आयु भौतिक दृष्टि से महाप्रभु जी के दादाजी के बराबर थी और उन्हें बृहस्पति का अवतार माना जाता है। तो सर्वभौमाचार्य मायावादी थे, पर महाप्रभु जी के लक्षणों को देखकर वो पहचान गए कि ये भक्त भक्ति भाव के कारण बेहोश हुआ है, कोई बीमारी के कारण नहीं। तो उसने चौकीदार का नहीं उठाकर इसे बाहर मत फेंको, उसे मेरे घर में ले जाओ। सर्वभौमाचार्य का घर जगन्नाथपुरी मंदिर के पड़ोस में ही था। आप में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी गए हो? अच्छा, तो जगन्नाथपुरी के पास ही है सर्वभौमाचार्य का घर। कितने भक्त सर्वभौमाचार्य के घर गए हो? तो महाप्रभु जी के कहने पर सर्वभौमाचार्य के कहने पर उन्हें उठाकर वो ले गए अपने घर। तो अपने घर तो वो भोज बैठे थे। इसी देर में नित्यानंद जी और मुकुंद दत्ता आए उनको ढूंढने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी को ढूंढने के लिए वो आए, और जब वो आए चैतन्य महाप्रभु जी को ढूंढने के लिए, तो पहले वो पहुंचे जगन्नाथपुरी मंदिर में। मंदिर में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि कई लोग ये बात कर रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत सन्यासी आया था, वो बेहोश हो गया, उसको उठाकर ले गए हैं सर्वभौमा भट्टाचार्य के। तो नित्यानंद जी समझ गए वो खूबसूरत व्यक्ति महाप्रभु ही होंगे। तो वो गए सीधा महाप्रभु के सर्वभौमा भट्टाचार्य के घर में। और जब वो सर्वभौमा भट्टाचार्य के घर में गए, वहां उन्होंने देखा महाप्रभु जी भक्ति भाव से बेहोश पड़े हैं। तो नित्यानंद सर्वभौमा भट्टाचार्य को पता नहीं था कैसे होश में लाना, पर नित्यानंद जी को तो पता था। तो उन्होंने जाते ही क्या किया, हरे कृष्णा का कीर्तन। जैसे ही हरे कृष्णा का कीर्तन किया, महाप्रभु जी जाग गए और नाचने लगे बाकी भक्तों के साथ। तो सर्वभौमा भट्टाचार्य उस समय लगभग 70 साल के थे, महाप्रभु जी के दादाजी की उम्र के बराबर। उन्होंने इस प्रकार की घटना कभी नहीं देखी थी कि हरे कृष्ण कीर्तन से कोई बेहोश व्यक्ति होश में आ जाए। तो सर्वभौमा भट्टाचार्य सोचने लगे, अरे भाई ये तो बहुत खूबसूरत सन्यासी है, भगवान के 6 गुण है, एक गुण है वो सबसे खूबसूरत है, सबसे धनी है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा त्यागी है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है कि नहीं। तो सर्वभौमाचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत खूबसूरत है। तो सर्वभौमाचार्य कहने लगे और सोचने लगे अपने मन में, अरे इतना खूबसूरत सन्यासी लंबा मैंने तो जिंदगी में देखा ही नहीं, और इस जवान से बिल्कुल, अगर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई लड़की उसको फंसा देगी, कोई ना कोई वो फंस जाएगा और सन्यास आश्रम से गिर जाएंगे।
तो मुझे इसे मजबूत सन्यासी बनाने दो। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें वेदांत सूत्र सिखाता हूँ। महाप्रभु ने कहा ठीक है सिखाओ। तो 7 दिन के लिए, 7 दिन रात सब उमा भट्टाचार्य ने वेदांत सूत्र का संदेश दिया चैतन्या महाप्रभु जी को। और चैतन्या महाप्रभु जी ने एक शब्द नहीं बोला। हम तो सुनते हैं कि इसको बात करते हो तो 10 मिनट में हम उसको काटने को तैयार हो जाते हैं ना। हम ज्यादा तो कोई सुन नहीं सकता। अभी 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर चलेगा तो बातों को नींद आ जाएगी। पर छाया ने 7 दिन 7 रात वेदांत सूत्र की व्याख्या की और चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द नहीं कहा। तो सर्वभाया को शक हुआ। क्या शक? कि शायद ये सन्यासी को मेरी भाषा समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने पूछा भाई मैं 7 दिन से तुम्हें वेदांत सूत्र का उपदेश दे रहा हूँ तो तुमने एक शब्द नहीं कहा, एक प्रश्न नहीं पूछा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर निमाई ने कहा वेदांत सूत्र का जो संदेश है वो बिल्कुल एक तेज सूर्य के समान है, पर अगर तेज सूर्य को बादल ढक दे तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु ने कहा वेदांत सूत्र का संदेश तो तेज सूर्य के समान बिल्कुल क्लियर है, पर आपकी जो व्याख्या है, क्योंकि वो मायावादी थे, मायावादी मतलब वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, कृष्ण के नाम को नहीं मानते, कहते हैं भगवान निराकार है, आप साकार हो, आपका रूप है भगवान का रूप नहीं है। हा? हमारी आंखें हैं, नेत्र है, शरीर है, पैर है, हाथ है, तो भगवान वो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, उनका पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, है कि नहीं? ये है मायावादी का सिद्धांत। तो हमारा सिद्धांत है भगवान का, भगवान साकार है, उनका रूप है, पर वो रूप दिव्य रूप है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि वेदांत सूत्र का संदेश एक तेज रोशनी के समान है, पर आपने अपनी व्याख्या से अपनी संदेश को ढक दिया है, जैसे बादल ढकता है सूर्य को। तो फिर आगे चर्चा होते गई और एक भागवत का श्लोक है जिसे हम आत्मा नाम का श्लोक मानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो महाप्रभु जी के कहने पर सर्वोपलचार्य ने ये आत्मनाम श्लोक की व्याख्या की। उन्होंने एक श्लोक को 9 अलग तरीकों से सुनाया। फिर उन्होंने कहा अरे आप सुनाओ। निमाई पंडित ने उसी श्लोक को 64 अलग तरीकों से समझाया और 64 तरीकों में एक बार भी पहला दूसरा तरीका का रिपीट नहीं था। सब 64 तरीके बिल्कुल जुदा। जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने ये सुना उनके मन में क्या बात उठी? सर्वभौम भट्टाचार्य के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य बहुत ऊंची कोटि के भक्त थे चैतन्य महाप्रभु जी के। उनको बिना किसी शंका के पता था कि स्वयं भगवान कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो कई बार वो बोलते थे सर्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा है, तुम क्यों नहीं मानते? तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते थे खैर वो कृष्णा तो नहीं है भाई, पर ये मैं मानता हूँ कोई खूबसूरत भक्त है। तो जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने सुना कि 64 अलग तरीकों से कैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने एक ही श्लोक को समझाया तो वो उनके शरणागत हो गए। उन्होंने कहा आप स्वयं भगवान हो। और फिर उन्होंने 100 श्लोकों के अर्थ की रचना की जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी का गुणगान किया जा रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पहले अपना सद्बुज का रूप प्रकट किया। सद्बुज का रूप है भगवान का 6 हाथों के साथ। आपका 6 हाथ
हमारे तो दो हाथ है, भगवान की छह हाथ कैसे हो गए? भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दो हाथ है रामचंद्र जी के धनुष और तीर को उठा रहे हैं, दो हाथ है कृष्णा के और दो हैं चैतन्य महाप्रभु जी के। तो पहले तो उन्होंने सद्भुज का रूप प्रकट किया, फिर विष्णु का रूप और फिर श्याम सुंदर का रूप। तो इस प्रकार सर्वमल छाया भी बहुत प्रसिद्ध भक्त बन गए। चैतन्य महाप्रभु जी सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहने के बाद वो यात्रा में निकल रहे थे दक्षिण भारत के लिए, साउथ इंडिया दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जब निकल रहे थे तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने एक अपना सेवक दिया साथ जाने के लिए, और दक्षिण भारत में यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु जी गए, दूर दूर से लोग आते थे उनको देखने के लिए। उनको देखते ही हरि नाम स्वीकार करके उन्होंने भी हरि नाम आरंभ कर दिया, और दूसरे व्यक्ति जब इनको देखते थे अपने गांव में लौट कर प्रचार करते हुए तो उनको देखकर वो भी प्रचार शुरू करते थे। इस प्रकार पूरे दक्षिण भारत साउथ इंडिया में सब वैष्णव बन गए। आज भी अगर आप साउथ इंडिया में जाओ कई मंदिरों में तिरुपति में सब निशाने हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के निशाने हैं कि महाप्रभु जी यहाँ आए थे 500 साल पूर्व यात्रा करते समय। चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक भक्त थे जिनमें दो भक्त प्रसिद्ध थे, जिनमें छह प्रसिद्ध भक्त कौन थे? छह गोस्वामी। वंदे रूप सनातनो रघु युगो जीव, तो इनमें से दो भाई थे रूपा और सनातन। रूपा और सनातन को जबरदस्ती एक मुसलमान राजा जो बंगाल के थे उनके पास सेवा करना पड़ा, नवाब हुसैन शाह। पहले रूपा को सोने की इच्छा नहीं थी ये नौकरी करते रहना, पर महाप्रभु जी ने उन्हें कहा कि रह करो, तो एक तरह से तो नौकरी कर रहे थे पर दूसरी तरह से हमेशा मन के द्वारा महाप्रभु का सोच रहे थे। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, चश्मा सर्वेश कलेश मनुस्मरा युद्ध अच्छा, हे अर्जुन मेरा चिंतन करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो ये है भगवान का आदेश हम आपके लिए और हमारे लिए। तो रूपा गोस्वामी जी ने थोड़ी देर बाद सरकारी नौकरी त्याग दी, और जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई। आजकल तो करेंसी है कागज के नोट, हाँ, और दिन पर दिन कागज के नोट पतले होते जा रहे हैं, आपने देखा है? आज का 100 रुपए का नोट का कागज और 20 साल पहले के 100 रुपए के नोट के कागज में बहुत अंतर है। पर प्राचीन समय में सोने के सिक्के थे, तो पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। तो उन्होंने इस धन से क्या किया, आधा धन तो उन्होंने बांट दिया, किसे? वैष्णव को, ब्राह्मणों को। 25% धन उन्होंने दे दिया रिश्तेदारों को। अब धनी बन जाओ रिश्तेदारों की सेवा नहीं करो तो वो गुस्से हो जाते हैं। 25% दिया रिश्तेदारों को और 25% उन्होंने रखा भविष्य में कोई आवश्यकता हो तो। इस प्रकार उन्होंने हम सबको उदाहरण दिया है कि अगर व्यक्ति के पास धन हो तो कैसे उसे बांटना चाहिए। खैर उनके भाई थे सनातन गोस्वामी, उनकी भी इच्छा नहीं थी नौकरी करने के लिए पर वो जबरदस्ती कर रहे थे। पर खैर उन्होंने एक महीने के लिए अपने राजा से छुट्टी ले ली बिना मांगे, हाँ मांग के नहीं, उन्होंने दफ्तर जाना बंद कर दिया। और वो क्या कर रहे थे, 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवतम का अध्ययन कर रहे थे सुबह से रात। राजा ने देखा इतना समय हो गया है सनातन दफ्तर ही नहीं आया, एक महीना हो गया लगभग। राजा ने देखा था पहले तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बिगड़ी, कोई दाल में काला तो नहीं है, चलो सनातन को देखें। तो राजा एक अपने डॉक्टर के साथ सीधा आ गए सनातन के घर, और आजकल तो कोई अंदर आना चाहे तो उसको घंटी बजाना पड़ता है, उस समय ये चिंता सुविधा नहीं थी। तो राजा सीधा सनातन के घर के अंदर आ गए,
उन्होंने क्या देखा, सनातन तो बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी के लक्षण नहीं, और सनातन 20-25 आदमियों के साथ बैठकर भगवतम का अध्ययन कर रहे। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई निकम्मा है, नौकरी छोड़कर चले गया, और मैं निर्बल हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम भी अभी ये क्या पागलपना कर रहे हो, तुम क्यों नहीं आते नौकरी में, अभी मैंने कल जाना है उड़ीसा, उड़ीसा में उस समय हिंदू राजा थे, तो तुम आओ मेरे राज्य को संभालो। सनातन ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आऊंगा अभी नौकरी के लिए। तो राजा ने कहा नहीं आओगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो उन्होंने सनातन को जेल में डलवा दिया और वो गए उड़ीसा में युद्ध लड़ने के लिए। तो जब जेल में डाल दिया तो सनातन ने, वो जेलर है, उसे कहा तो मुझे छोड़ दो, मुझे मक्का जाना है। मक्का कहा क्योंकि उन दिनों में सब जेलर वगैरह सब मुसलमान थे। तो उस जेलर ने कहा अरे भाई तुम्हें छोड़ूंगा तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुमको मैं नहीं छोड़ सकता। उतनी ही देर में एक पत्र आ गया था सनातन गोस्वामी को, जिसमें उनके भाई ने कहा था कि मैंने 25% धन रखा है इस बनिए की दुकान में तुम्हारी आवश्यकता के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने फिर से जेलर से बात की, कहा ये लो सोने के सिक्के, तो मुझे किसी प्रकार से छोड़ दो। उसने कहा कि तुम राजा को कहना कि मैं सुबह के समय संन्यास करने गया था और मैं वहां से गंगा में छलांग लगा दी मैंने, और मैंने मक्का में जाना है, ये लो थोड़ा बख्शी। तो वो जेलर ने छोड़ दिया सनातन को। फिर सनातन को स्वामी गए एकांत के स्थान से, उनके साथ एक सहयोगी था जिसका नाम था ईशान, और सनातन गोस्वामी की इच्छा थी बनारस जाने के लिए, क्यों, चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने के लिए। तो ईशान के साथ वो निकले, उनका एक सेवक था ईशान, और जगन्नाथपुर बनारस के रास्ते में वो रुके एक रात के लिए एक होटल में। वो होटल का जो मालिक था उसने होटल के रिसेप्शन में एक जोशी रखा था, किसी होटल में जोशी देखते हो, और वो जोशी का क्या काम था, अंदाजा लगाना कि जो ग्राहक आ रहा है कितना धनी है, और वो धनी होता था तो रात को उसको मारकर छुड़ा लेते थे। जैसे आजकल भी एकांत के स्थान में जाओ तो मारकर वो छुड़ा लेते हैं कुछ न कुछ। महाराज एक उदाहरण दे रहे थे, हमारा एक भक्त उड़ीसा से आ रहा था मायापुर, तो रास्ते में एक आदमी आया गाड़ी में, कहेगा हाँ स्वामी जी प्रसाद प्रसाद प्लीज एक प्रसाद। तो पेड़ा था, दिखता था पेड़े जैसे, तो उसके कहने पर हमारे ब्रह्मचारी ने स्वीकार कर लिया। वो पेड़ा खाने के बाद उसको ऐसी नींद आई कि 2 दिन तक सोते गया, और पेड़ा इसे वो पेड़ा खिलाकर क्या किया इसने, उसका पासवर्ड पैसा सामान सब चुरा लिया और भाग गया। तो इसे महाराज के बाहर अगर कोई आपको प्रसाद दे तो ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी, तो ये जो होटल वाला था उसने रिसेप्शन में एक चौकीदार जोशी रखा था, और सनातन गोस्वामी छुप छुप कर जा रहे थे, उनके साथ एक नौकर था ईशान। जब ये होटल में आए रहने को तो इनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह कर रहा था ये होटल का मालिक। तो जब इतनी अच्छी देखभाल हो रही थी तो वहां सनातन गोस्वामी को शक हो गया, उनको तो राजनीतिक शास्त्र क्षेत्र का अभ्यास था। तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा तुम अपने साथ कोई धन तो नहीं उठा रहे, कि नौकर ने चोरी करके 8 सोने के सिक्के लाया था। तो ईशा ने कहा मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। हे 8 कहा था। तो सनातन ने कहा अरे भाई तुम मौत को साथ क्यों उठा रहे हो, गरीब व्यक्ति को थोड़ी डर रहता है कि चोर आ जाएंगे,
अमीर को रहता है ना, तो सनातन ने और सात सोने के सिक्के लेकर दे दिए होटल के मालिक को। काल हो तो होटल के मालिक ने कहा मेरे अंदाजे से 8 सिक्के होने चाहिए, 7 नहीं। तो सनातन ने अपने नौकर से पूछा और सिक्का है क्या तुम्हारे पास, जहाँ एक और है। तो सनातन ने उसे वापस घर भेज दिया झूठ बोलने के लिए। तो होटल के मालिक ने कहा मुझे ये धन नहीं चाहिए आपसे, मुझे शर्म आ रही है लेते हुए। पर सनातन ने कहा अगर आप नहीं लोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति मुझे मार कर ले लेगा, इससे अच्छा आप ही ले लो। तो इस प्रकार सनातन फिर आगे गए बनारस की ओर। रास्ते में वो रुके थे उनके रिश्तेदार श्रीकांत के घर में। श्रीकांत एक राजा का बहुत बड़ा मुजरिम जैसा व्यक्ति था, तो उसके पास काफी धन था। तो उसने सनातन को उसकी स्थिति देखी, बड़े लंबे बाल, फटे हुए कपड़े। उसने कहा हे क्या हो गया भाई, तुम रहो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब रहने की सुविधा दूंगा। सनातन ने कहा भी मुझे सुविधा नहीं चाहिए। पर श्रीकांत ने सनातन को एक बहुत महंगी चादर दे दी, शायद कश्मीरी शॉल होगी। और फिर सनातन चले और कहाँ पहुंचे, वाराणसी में। वाराणसी को बनारस के नाम से हम जानते हैं। तो जब वाराणसी पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है, उन्हें पता था कौन आया है, सनातन। तो उन्होंने अपने भक्त को भेजा बाहर से सनातन को बुलाने के लिए। जो भक्त बाहर आया चंद्रशेखर आचार्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी चंद्रशेखर आचार्य के घर में निवास कर रहे थे। तो चंद्रशेखर बाहर आया सनातन को स्वामी को ढूंढने के लिए। उन्होंने सोचा कोई सन्यासी होगा घबरे कपड़े वाला। तो उन्होंने वहां तो देखा एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को। उन्होंने सोचा ये तो कोई इस्लाम है मुल्ला है। तो उन्होंने अंदर आकर कह दिया कि हमें नहीं मिले, कोई संत नहीं मिला बाहर। फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर से भेजा उसे, फिर वापस आ गया, कहा कोई संत नहीं दिखा मुझे, तो एक मुसलमान खड़ा हुआ दिखता है। महाप्रभु ने कहा वो मुसलमान मुसलमान नहीं, बड़ा संत है, लेकर आओ उसे। तो फिर वो बाहर से उसको लेकर आए अंदर, और अंदर आते ही महाप्रभु जी ने उसे गले लगाया। जब महाप्रभु जी ने उसे गले लगाया तो चंद्रशेखर इस घटना को देखकर आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा इस मुल्ला के सपने की कोई सीमा ही नहीं है, महाप्रभु जी ने खुद उसे गले लगाया है। तो महाप्रभु जी कहने पर सनातन को समझे दाढ़ी वाली काटी कपड़े बदले। पर सनातन ने ये देखा कि महाप्रभु जी उसकी महंगी चादर को घूर कर देख रहे हैं। तो फिर वो गए गंगा के किनारे, वहाँ एक बंगाली सज्जन था। उस बंगाली व्यक्ति से उन्होंने कहा कि आज मेरी ये चादर ले लो, मैं उसके बदले में आपकी फटी हुई चादर चाहता हूँ। उस संत ने कहा अरे भाई तुमको मखौल कर रहे हो, तुम्हारी इतनी महंगी चादर तो मुझे दोगे फटी चादर के बदले में। सनातन ने कहा हाँ। तो फिर उसे अपनी महंगी चादर को बदला उनकी फटी चादर के लिए, और फिर वो गए वापस। जब महाप्रभु जी ने देखा तो बहुत खुश हुए। महाप्रभु ने कहा तो मधुकरी का जीवन बिता रहे हो, मधुकरी का जीवन मतलब भीख मांगकर और महंगी चादर पहनो, ये शोभा नहीं देता। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत ही शिक्षा दी है। रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी को 2 महीने के लिए शिक्षा दी, और ये सारी शिक्षा को हम चैतन्य चरितमृत में प्राप्त करते हैं। जब महाप्रभु जी छोटे से थे बच्चे निमाई, एक दिन वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो वहाँ कई पपी दिखे। पपी समझते हो, पपी डॉग, छोटे बच्चे कुत्ते। तो कई 6-7 कुत्ते थे, निमाई ने एक उठा लिया, सबसे खूबसूरत कुत्ता। तो उनके जो साथी थे दोस्त वो कहने लगे निमाई अगर तुम खूबसूरत कुत्ता वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे से खेलेंगे नहीं। निमाई ने कहा मैं अभी वापस नहीं करूंगा, घर लेकर। जब घर ले गए उनकी माँ ने कहा अरे ये क्या है बाबा, हम तो ब्राह्मण है, क्या कर रहे हो तुम, कुत्ते को घर में ले आए।
भाई ने कहा भाई माँ ने कहा ठीक है वो कुत्ते को फिर अगर तुम्हें रखना ही है अंदर कमरे में बंद कर दो। एक दिन माई गए थे गंगा में और माँ ने उस कुत्ते को छोड़ खोल दिया और कुत्ता चले गया घर से। तो निमाई जब लौटा उसे पता लगा कि माँ ने कुत्ते को छोड़ दिया तो निमाई को बहुत गुस्सा आया। वो ये कुत्ता जो था निमाई की संगत में इतना पवित्र हो गया कि उसने हरे कृष्णा का कीर्तन शुरू कर दिया। तो ये कुत्ता नवद्वीप में गया एक शहर के बीच में और वहाँ बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कर रहा था। तो पूरे शहर में खबर फैल गई कि जो कुत्ता जो निमाई के साथ था वो हरे कृष्णा का जाप कर रहा है। तो सारे शहर के लोग वहां पहुंचे ये घटना को देखने के लिए। महाराज यू वांट गो बैक विद सफर। और पूरे शहर में खबर फैल गई कि जो कुत्ता निमाई के साथ था वो हरे कृष्णा बोल रहा है। तो पूरे शहर के लोग आए ये देखने के लिए और सबने क्या देखा, दो पैरों से वो नाच रहा है, दो हाथों को ऊपर उठाया हुआ है और हरे कृष्णा मंत्र बोल रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और बाल खड़े हो गए हैं। पूरे शहर ने कहा देखो निमाई की चमत्कार। और सबके सामने भगवान परक से एक रथ आया जिसमें वो कुत्ता बैठकर बाय बाय बोलते बोलते भगवान के पास। ये कथा लोचन राज ठाकुर ने चैतन्य मंगल में दी है। चैतन्य चतुर्मिति में इसी प्रकार की एक और कथा है। एक समय एक महाप्रभु के भक्त थे जिनका नाम था शिवानंद सेन। शिवानंद सेन जब अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में यात्रा कर रहे थे तो एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। कई बार आपने देखा होगा हम लोग कीर्तन मंडली में जाते हैं कोई कुत्ता भी पीछा करता है और कुत्ते का भी भाग्य है। तो एक कुत्ता पीछा कर रहा था तो शिवानंद सेन कुत्ते को घर ले गए। घर में उन्होंने उसे प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया। तो एक दिन जब शिवानंद सेन बाहर गए थे तो जो कुत्ता था वो घर से निकल गया। शिवानंद सेन जब लौटे उन्हें पता लगा कि कुत्ता घर से निकल गया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अगले उन्होंने 10 आदमियों को भेजा उस कुत्ते को ढूंढने के लिए, वो मिले नहीं। अगले दिन जब वो महाप्रभु को मिलने गए तो उन्होंने देखा महाप्रभु जी अपने हाथों से नारियल फेंक रहे हैं कुत्ते को, वही कुत्ता जो शिवानंद सेन का था, उसको प्रसाद खिला रहे हैं और वो कुत्ता क्या कर रहा है, हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहा है। तो महाप्रभु जी की कृपा से कुत्ते ने भी हरे कृष्णा शुरू कर दिया। अगर आप कुत्ते को घर में रखना चाहते तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हरे कृष्णा कराओ, नहीं तो मत रखो। महाप्रभु जी जब झारखंड के जंगल से गुजर कर जा रहे थे तो हाथी शेर सबसे उन्होंने क्या करवाया, हरे कृष्ण का कीर्तन करवाया। तो इस प्रकार महाप्रभु जी की अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। बनारस में जब वो आए तो वहाँ एक सभा चल रही थी 60,000 ब्राह्मणों की, सन्यासियों की। तो महाप्रभु ने वहाँ कीर्तन करवाया 60,000 सन्यासियों का और सबको वैष्णव बना दिया। एक समय महाप्रभु जी ने एक बुद्धिस्ट नेता को हराया था डिबेट में। तो बुद्धिस्ट नेता के शिष्यों को बहुत बुरा लगा कि हमारे गुरु जी को हरा दिया, हमें बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने एक बासी खाने को एक थाली में रखकर वो आए महाप्रभु जी के सामने और महाप्रभु जी से कहा हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं। महाप्रसाद को तो आदर दिया जाता है, खाइए महाप्रसाद। चला हुआ बासी खाना था प्रसाद। तो महाप्रभु जी जैसे खाने जा रहे थे कि ईगल चिड़िया आई। वो चिड़िया ने उस पेड़ को उठाकर पीपल की पेड़ थी
चिड़िया ने तो खाना खा लिया जो पीतल बासी खाना था, पर फेर को गिरा दिया गुरु जी के सिर पर। जब ये भारी फेर बुद्धि के गुरु के सिर पर गिरी तो गुरु जी बेहोश हो गए, बेहोश हो गए सबके सामने। तो सारे विद्यार्थियों में बड़ा दुख हुआ, सबने सोचा क्योंकि हम अपमान करने जा रहे थे ये भगवान ने हमें सजा दी है। तो सब गए महाप्रभु के पास कहने के लिए कृपा करके आप हमारे गुरु को बचाओ, वो बेहोश हो गए हैं। तो महाप्रभु ने कहा जाओ तुम्हारे गुरु के कानों में हरे कृष्ण कीर्तन करो। उन्होंने जाकर गुरु के कानों में हरे कृष्ण कीर्तन किया तो गुरु जी होश में आ गए और सारे गुरु जी और शिष्य सब बन गए भक्त वैष्णव बन गए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने पूरे भारत में वैष्णव सिद्धांत का प्रचार किया और पूरे भारत में कृष्ण भक्ति का विस्तार किया। तो आज चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मदिन है, घोर पूर्णिमा, और चैतन्य महाप्रभु जी अवतारित हुए थे किसे, कृष्णा की शिक्षा का पालन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बहुत गहरी शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी को 2 महीने के लिए शिक्षा दी, जो कि आप चैतन्य चरितमृत में प्राप्त करते हो। और सनातन गोस्वामी को उन्होंने क्या कहा, भगवान के शरणागत होने के 6 नियम, एक जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उस कार्य को स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए अनुकूल है जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो, और आगे ये स्वीकार करो कि परम भगवान ही तुम्हारी देखभाल करेंगे और कोई नहीं, देवताओं के पास नहीं। निम्रता और हमारे विचारों को भगवान के विचारों के आधार पर रखना चाहिए। तो चैतन्य चरितमृत जो कि आज अंग्रेजी हिंदी गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक कथाएं हैं, लीलाएं हैं। महाप्रभु जी जब रामानंद रॉय को मिले थे दक्षिण भारत में, उन्होंने पूछा था रामानंद रॉय से हमें क्या किस विषय का चिंतन करना चाहिए, तो रामानंद रॉय ने कहा हमें भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। तो आज आप भक्तों को चैतन्य चरितमृत की लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। हमने तो संक्षेप में आपको 1.25 घंटा में थोड़ी बहुत लीलाएं सुनाई, हमारे से पहले लगभग 40 मिनट के काव्य चंद्र महाराज ने भी थोड़ी शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा त्रिनाद भी सुने छेना तरोड़ भी इतना मान देना मना देना कितना दी, हरि का नाम लेना है तो निम्रता के साथ लो, फिर से भी ज्यादा सहनशील, दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद किए बिना। एक और कथा मैं सुनाऊंगा संक्षेप में, अंतिम कथा आज के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी अवतारित हुए थे और उनसे पहले अद्वैताचार्य और हरिदास जी आए थे जो कि शांतिपुर में एक साथ सारा दिन कृष्ण कथा करते थे, भगवत का अध्ययन करते थे, नाचते थे, गाते थे। उन्होंने एक शालिग्राम की पूजा की थी गंगा नदी और तुलसी के सहयोग से और भगवान से प्रार्थना किया था आप कृपा करके अवतारित होइएगा। तो अद्वैताचार्य को महाप्रभु हमेशा आदर देते थे, एक तो भौतिक दृष्टि से उनकी आयु उनके दादा के समान थी, पर अद्वैताचार्य हमेशा कहते नहीं, महाप्रभु स्वयं भगवान है, जो सच्ची माता है महाप्रभु की माता, उनके हृदय में थोड़ा क्रोध था अद्वैताचार्य के प्रति। क्यों? क्योंकि उनके बड़े बेटे विश्वरूप ने सन्यास ले लिया था, घर छोड़ दिया था, और छोटे बेटे ने भी छोड़ दिया था, सन्यास ले लिया था। तो माँ सोचती थी ये सब अद्वैताचार्य का प्रभाव है। तो महाप्रभु ने कहा, ऐसे तो महाप्रभु ने सबको कृपा दी, पर उनकी माँ के विषय में उन्होंने कहा कि जब तक वो अद्वैताचार्य से अपने अपराधों की माफी नहीं मांगेंगे उनमें भक्ति प्रेम नहीं मिलेगा। तो अद्वैताचार्य हमेशा कहते थे सच्ची माता मेरे विरोध में अपराध कैसे कर सकती है, वो तो भगवान की माता है।
प्रत्येक दिन भगवान ने अपना विराट रूप, अपना दिव्य रूप प्रकट किया श्रीवास ठाकुर के घर में। और महाप्रभु अद्वैताचार्य जब प्रणाम कर रहे थे भगवान को, तो उनकी माँ पीछे से आई, उनके चरण को छूकर धो ले ली। जब महाप्रभु ने देखा कि मेरी माता ने अद्वैताचार्य के चरण को धो ले लिए माफी मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा अब मेरी माँ में भगवत प्रेम आएगा। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। सनातन गोस्वामी को उन्होंने कहा कि बहुत जन्म मृत्यु के बाद भक्ति का बीज मिलता है, भक्ति अब का बीज को उगने के लिए पानी पिलाना पड़ेगा, पानी पिलाने का क्या माध्यम है? चरण क्रिया। और हमें भक्तों की संगत में रखना रहना चाहिए और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो आज शुभ अवसर पर आप सब चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा प्राप्त कीजिएगा। कृष्ण राज कविराज जी ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी की दया से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है, खाली चलना नहीं पहाड़ों के पार, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। तो आप सब चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा लो और भक्ति में आगे बढ़ो। चैतन्य महाप्रभु जी की घोर प्रेमानंद। हाय कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सुनने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए gkgoswami.com पर जाएं।